गुड मॉर्निंग एनीवन। हिंदी क्लास 10th में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के पहले हम लोग व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत पद पे चर्चा कर रहे थे। पद के प्रकारों में संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों पर हम लोगों ने चर्चा किया। संज्ञा का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके प्रकारों पर चर्चा हो चुकी है। सर्वनाम का अर्थ, उसके प्रकार और उसके सभी प्रकारों के उदाहरणों पर भी हम लोगों ने विस्तार से पिछले दिनों चर्चा किया। तो आइए चलते हैं हम अपने विशेषण की ओर, जिसमें विशेषण किसे कहते हैं, उसके अर्थ और उसकी परिभाषा पे हमने चर्चा किया। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं हम विशेषण के प्रकारों पर। पिछले दिनों हम लोग विशेषण के प्रकारों पर चर्चा कर रहे थे, जहाँ पर वेल समाप्त होने से हम प्रकार तराकर रुक गए थे। तो आइए प्रकारों को आगे बढ़ाते हैं। विशेषण के प्रकारों पर चर्चा चल रही थी, तो इस प्रकार विशेषण पद के कुल 4 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा या अंतिम सर्वनामिक विशेषण। तो आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। विशेषण के पहले प्रकार, जिसका नाम है गुणवाचक विशेषण। तब तक सभी लोग इन विशेषण के सभी प्रकारों को राइट करिए जल्दी। हो गया, चलिए हम लोग चलते हैं अगले विशेषण के प्रकारों में। पहला हमारा था गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, विशेषण के पहला प्रकार जिसका नाम है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, पहले इसकी हम परिभाषा समझ लेते हैं। क्या है गुणवाचक विशेषण? विशेषण के पहले प्रकार में जो शब्द क्या करते हैं, गुण माने होती है उसकी विशेषता, जो महसूस किया जा सकता है, जिसका स्पष्ट वर्णन न किया जा सके, केवल महसूस किया जा सके, जिसे केवल अर्थ के द्वारा समझा जा सके, वह गुणवाचक विशेषण होते हैं। ऐसे संज्ञा या सर्वनाम के शब्द जो गुण और दोषों को व्यक्त करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के गुण एवं दोषों को व्यक्त करने वाला शब्द गुणवाचक
विशेषण कहलाता है। जैसे जैसे उस तलवार में दैवीय शक्ति थी, पहला उदाहरण था जैसे उस तलवार में दैवीय मीन्स देवताओं की दैवीय शक्ति थी, पहला उदाहरण क्या था उस तलवार में दैवीय शक्ति थी। दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं, आज का भोजन मुझे स्वादिष्ट न लगा, आज का भोजन मुझे स्वादिष्ट न लगा। अब उस तलवार में दैवीय शक्ति क्या है, ये क्या है, ये गुण है, उसकी विशेषता है, क्या विशेषता है, तो ऐसी शक्ति जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, तलवार को तो हम देख सकते हैं किंतु उस तलवार में दैवीय शक्ति थी, माने कोई विलक्षण देवताओं की कोई विशेष शक्ति थी, इसे हम देख नहीं सकते हैं, केवल उसके कर्म के बाद हम उसे महसूस कर सकते हैं, केवल उसका अनुभव कर सकते हैं किंतु हम उसे व्यक्त नहीं कर सकते, यह है उसका गुण या दोष। तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा दैवीय शक्ति। दूसरे उदाहरण में आते हैं, आज का भोजन मुझे स्वादिष्ट न लगा। अब देखिए, आज मैंने देखा है भोजन को, मैंने देखा है मुझे, मैं जानता हूं कौन है, किंतु स्वादिष्ट न लगा, स्वाद को मैंने नहीं देखा है, स्वाद को मैंने क्या किया है, स्वाद को केवल मैंने महसूस किया है, स्वाद व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता, यह है उसका गुण। तो यहां पे हो गया स्वादिष्ट शब्द में कौन सा विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण। आइए चलते हैं फिर विशेषण के दूसरे प्रकार की ओर, जिसका नाम है संख्यावाची विशेषण। क्या है, संख्यावाची विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। जैसे हम लोग लिखते हैं, दूसरा संख्या वाचक विशेषण, संख्या वाचक विशेषण, संख्या वाचक विशेषण। इसमें क्या है, तो जो शब्द, परिभाषा देख लेते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों में संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, संख्या वाचक विशेषण होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण में देख लेते हैं, हम संख्या का बोध कराते हैं उन्हें, संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे
राम चौदह वर्ष के ही थे जब राक्षसों को मारे थे। तो क्या है ये संज्ञा है, तो राक्षसों को जब मारे थे तो क्या थे, तो अभी बालक थे। बालक को राक्षसों को मारना संभव न था, किंतु 14 वर्ष के उम्र में ही उन्होंने राक्षसों को मारकर भगा दिया, ये उनकी एक विशेषता थी। तो 14 ये संख्यावाचक जो शब्द है वह हमारा संख्यावाचक विशेषण है। अब आइए चलते हैं इसमें संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में। संख्यावाचक विशेषण के भी संख्यावाचक विशेषण के प्रकार संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार हैं, तो देख लेते हैं आगे। इस विशेषण के कुल दो प्रकार हैं, कुल दो प्रकार हैं, पहला क्या है और दूसरा क्या है, आइए देखते हैं। पहला प्रकार क्या है संख्यावाचक विशेषण का, तो पहला है निश्चयवाचक, निश्चय संख्यावाचक, और दूसरा है अनिश्चय संख्यावाचक। पहला क्या है, पहला है निश्चयवाचक, दूसरा क्या है अनिश्चय वाचक। पहला निश्चयवाचक, सॉरी निश्चयवाचक विशेषण, ठीक, दूसरा क्या है अनिश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण करने, निश्चयवाचक संख्या विशेषण। पहला क्या होगा निश्चयवाचक संख्या विशेषण, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण, ठीक। विशेषण तो रहेगा, संख्या तो रहेगी, किंतु एक में निश्चितता होगी और एक में अनिश्चितता होगी। अब आते हैं निश्चयवाचक संख्या विशेषण की ओर। क्या है निश्चयवाचक संख्या विशेषण में, तो हम जानते हैं कि निश्चयवाचक शब्द जो है वह हमें निश्चितता का बोध कराता है। जहाँ वस्तु निश्चित होती है, कन्फर्म होता है, स्पष्ट होता है, वहाँ पर निश्चयवाचक विशेषण होता है। विशेषता हो, संख्या हो और निश्चितता भी हो, तो वहाँ पर निश्चयवाचक संख्या विशेषण होता है। दूसरा है अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण, जहाँ पर संख्या हो, विशेषता हो और अनिश्चितता हो, माने संख्या की मात्रा स्पष्ट न हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण हो जाएगा। तो आइए उसके उदाहरण पर चर्चा करते हैं, निश्चयवाचक संख्या विशेषण और अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण। पहला था निश्चयवाचक संख्या विशेषण, इसकी परिभाषा है कि जहाँ पर निश्चितता हो, जैसे उदाहरण देखते हैं, निश्चय भी हो और संख्या भी हो
और विशेषण भी क्या हो जाएगा। जैसे उदाहरण में अगर हम आए तो कुंभ का मेला प्रत्येक 5 वर्ष में लगता है। इलाहाबाद का मेला कब लगता है? 5 वर्ष में कुंभ का मेला प्रत्येक कुंभ का मेला प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्येक 5 वर्ष में लगता है। तो प्रत्येक 5 वर्ष, 5 वर्ष कंफर्म है, हर 5 वर्ष में लगता है तो निश्चय हो गया। कुंभ के मेले की विशेषता क्या है कि ये हर 5 वर्ष में लगता है, ये कुंभ के मेले की विशेषता है। तो विशेषण भी है, संख्या भी है और निश्चितता भी है, इसलिए इसका उदाहरण हो गया गुणवाचक या सॉरी कह सकते हैं संख्यावाचक निश्चय विशेषण या निश्चयवाचक संख्या विशेषण। आइए कह सकते हैं अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण। ये क्या हो जाएगा? हरिद्वार का मेला, हरिद्वार का मेला कुछ वर्षों में, कुछ वर्षों में लग जाएगा। देखिए कुछ वर्ष, कितने वर्षों में लग जाएगा ये कन्फर्म नहीं है, कुछ वर्षों में लग जाएगा माने ये तो कन्फर्म है कि मेला लगेगा, किंतु कितने वर्ष में लगेगा तो वर्षों में भी लगेगा ये भी कन्फर्म है, लेकिन कितने वर्षों में लगेगा ये कन्फर्म नहीं है। तो अनिश्चितता हो गई, विशेषता हो गई, मेला लगना है किंतु निश्चितता न होने के कारण से यहाँ पर अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण का उदाहरण हो गया। आइए एक दो और उदाहरण देखते हैं अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण का। जैसे सभी अंग्रेजों के विद्वान, सभी अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाएं, सभी अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाए। अब सभी में कितने हैं ये निश्चित नहीं है, 2 भी हो सकते हैं सभी, 5 भी हो सकते हैं सभी, 10 भी हो सकते हैं सभी, सभी की संख्या निर्धारित नहीं है। अगर सभी की संख्या होती कि 20 अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाओ, 10 अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाओ, तब ये निश्चयवाचक संख्या विशेषण हो जाता, किंतु अनिश्चितता होने के कारण से यहाँ पे अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण हो गया। आइए एक और उदाहरण देखते हैं अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण का। ये हो गया, राइट करिए अगले दूसरे उदाहरण में चलते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है अनिश्चयवाचक का? तो कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। देखिए कई बार मुझे पीटने का कर लेते हैं, मुझे पीटने का अवसर प्राप्त होने पर भी भाई ने कुछ नहीं किया, भाई ने कुछ नहीं किया। देखिए कई बार कुछ नहीं क्या है? अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण।
कुछ कई बार मौका मिला था, कितनी बार मिला था मैंने कई बार, दो बार भी हो सकता है, तीन बार भी हो सकता है। कुछ नहीं किया मैंने कुछ कर भी सकते थे, कुछ में क्या उसकी सीमा निर्धारित नहीं है, मारना पीटना कुछ भी हो सकता था। तो यह हो गया अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण। तो आइए चलते हैं अब विशेषण के तीसरे प्रकार की ओर, जिसका नाम है परिमाण वाचक विशेषण। जैसा कि आप जानते हैं परिमाण का अर्थ होता है उसकी मात्रा, उसकी संख्या। तो किसी वस्तु की संख्या और उसकी मात्रा पर अगर हम ध्यान दें, चौथा प्रकार हो जाएगा हमारा तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाण परिमाणवाचक विशेषण, आइए इसकी परिभाषा पे हम ध्यान देते हैं। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा में ध्यान दें, जिन शब्दों से मात्रा का बोध होता है, जिन शब्दों से विशेष्य के, देखिए विशेषण और विशेष्य क्या है, तो एक विशेषण होता है एक विशेष्य, ये क्या है इसका अर्थ होता है जिसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बतलाई जाए। दूसरा विशेषण क्या होता है, जिसके द्वारा विशेषता बतलाई जाए। ठीक, जिसके द्वारा विशेषता बतलाई जाती है वह विशेषण होता है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष्य होता है। ठीक, राइट हो गया, राइट हुआ सबका हो गया, जल्दी करिए। चलिए आगे चलते हैं परिभाषा की ओर, क्या है इसकी परिभाषा। तो परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं परिभाषा की ओर, जिन शब्दों से, परिभाषा लिखिए, जिन शब्दों से विशेष्य, ध्यान दीजिएगा, जिन शब्दों से विशेष्य, जिन शब्दों के द्वारा किसकी विशेषता बताई जाए, तो कहते हैं विशेष्य की, जिन शब्दों से विशेष्य के मात्रा अथवा संख्या का बोध होता है, विशेष्य की मात्रा अथवा संख्या का बोध होता है, बोध होता है उसे परिमाणवाचक वाचक विशेषण विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मैं 2 लीटर दूध पीता हूँ, कौन पीता है,
मैं की विशेषता क्या है? तो दूध पीना, ठीक। लेकिन कितना भी देता है? तो 2 लीटर। 2 लीटर ये क्या है? मात्रा है। मात्रा के द्वारा 2 लीटर पीना संभव नहीं है, किंतु वह पी लेता है, ये उसकी विशेषता है। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषता। और एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे वह 1 दिन में 18 बार छत से कूद लेता है। माने 1 दिन में छत से वह 18 बार कूदता है, या आप कह सकते हैं 180 बार। अब तो संभव नहीं है, अब तो ये विशेषण है उसकी। तो चलिए, इसके बाद 1 दिन दे दिया है, 1 दिन में कितना? 180 बार उसकी विशेषता है। तो चलिए आगे हम फिर दूसरे दिन इसके आगे चर्चा करेंगे। परिमाणवाचक विशेषण के भी कई प्रकार हैं, इसी पर हम आगे अपनी बातों को बढ़ाएंगे तीसरे परिमाणवाचक विशेषण में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आगे फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।